बाकी बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई सैंपल बेसिस पे यहाँ पे हैं तो वो भी कनेक्शन जो है वो दिए थे। अब जो है उज्ज्वला 2 शुरू हुई है या पिछले मंथ शुरू हुई है RKVY स्कीम में इनको बर्मी बेड दिए जा रहे हैं जो दी गई है स्कीम्स के बारे में डिटेल पूरी यहाँ पे ब्रीफ करें। हमारे गांव के युवा पढ़े लिखे युवा जो हैं वो अलग अलग स्कीम्स का फायदा पाकर हो सके तो उसके लिए जो अलग अलग स्कीम्स लगभग 13.5 करोड़ लोग जो है वो कहना चाहूंगा सभी लोगों से कहना चाहूंगा सबके लिए पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके काम जो हुआ था ओनली फॉर फोर की वो प्लीज यहाँ आए और जम्मू कश्मीर में ही हो रहा है बियॉन्ड लखनपुर ये नहीं है इसके वो जितनी भी है उस एक्स सर्वे के साथ तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हर एक बशिंदे के लिए है। दूसरा नंबर मैम कि जितने भी जनता है खासकर कठुआ में 146,000 के करीब हमारे पास फैमिलीज हैं 200% सैचुरेटेड है तो आयुष्मान के थ्रू एक फ्री ऑफ कॉस्ट होगा 1 रुपया नहीं लगा SKR प्राइवेट हॉस्पिटल में होता पठानकोट प्रज्ञा और मनीष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा जो मिला हुआ है उसके अंदर तक आपका इलाज जो है वो फ्री होगा। तो ये एक बड़ा ही बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंडर कितने सारे लोगों ने अपने आंखों के ऑपरेशंस कोई हार रहे हैं जो फ्री में थे लाखों रुपए जिनकी कास्ट थी तो वो आज फ्री में लोग उनका इलाज करवा रहे हैं। मैं उनसे कंसर्न आप जितना चाहे उतने के लिए एक KCC ले सकते हो एक एनिमल के लिए गाय हो या भैंस हो उसके लिए 55,000 एक गाय के लिए मिलता है KCC और इसी हिसाब से पोल्ट्री के लिए पोल्ट्री सेक्टर में 1,000 बर्ड्स के लिए 1,000 बर्ड्स के लिए 125,000 जो है वो KCC का अमाउंट होता है। इसमें आप 1,000 से लेके 10,000 बर्ड्स के लिए KCC ले सकते हैं। देखो भारत सरकार और राज्य सरकार मतलब हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें भारत सरकार राज्य सरकार दोनों अपनी अपनी स्कीम्स लेकर के आती हैं और समय समय पे डिफरेंट कैंप के माध्यम से पब्लिक को उन तक पहुंचाया जाता है। तो इस बार जो हमारा जैसे हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया था उसी तरीके से एक कैंपेन शुरू किया है जिसमें हर ग्राउंड रूट पर हम पहुंचना चाह रहे हैं भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से और उनको दोनों तरफ की जो स्कीम्स हैं चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो उनके बारे में बताएं ताकि जो स्कीम जिसके लिए बनी है वो उसका पूर्ण लाभ ले सके। तो मुझे जो मैंने मेरे पास दो हमें डिस्ट्रिक्ट प्रभारी ऑफिसर की तरह से 2 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं एक जम्मू दिया गया है और दूसरा कठुआ दिया गया है। तो जहाँ पर मैंने पब्लिक से जो इनफॉर्मल फीडबैक लिया है तो पीपल आर वेरी हैप्पी। कठुआ आज वापस जाना है लेकिन हम वापस विजिट करेंगे ये एक मतलब एक दिन का वो नहीं है टाइम टू टाइम वी विल टेक फीडबैक फ्रॉम द पीपल। बहुत बहुत ज़्यादा मैं उसका फ़ायदा देख रही हूँ क्योंकि वो एक मोबाइल बैंक के अंदर सारा जितना भी मटेरियल पब्लिक के लिए वो सब उसमें डिस्प्ले भी किया जाएगा और ऑडियो विजुअल मोड में होगा और वो हर ग्राम पंचायत पे जाएगी वहाँ पर स्टे करेगी और उस समय उससे रिलेटेड जो भी सुविधाएं हम दे रहे हैं उसका कैंप भी लगाया जाएगा तो ऑन द स्पॉट भी लोगों को उसका बेनिफिट मिल सकता है। जैसे बहुत सारे लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं तो उस पर्टिकुलर डे पे जब वो अनाउंसमेंट हो रहा होगा तो उनको आकर्षित करेगा और वो वहाँ पर आकर के सुविधाएँ ले सकते हैं। ये है कि जिन तक हम अभी तक भी नहीं पहुँच पाए हैं उन तक हम पहुँचे और जो पब्लिक अपना बेनिफिशरी अपना फीडबैक दे रही है वर्ड ऑफ माउथ से बहुत सारी चीज़ें जाती है जैसे आप लोगों के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें जनता तक पहुँचने का आप ही एक अच्छा माध्यम। ये तो मुझे लगता है कि मेरी बजाय जो यहाँ पर जनता है वो ज़्यादा आपको अच्छे से बता सकती है क्योंकि वो बेनिफिशरी के वो कितना उससे फ़ायदा उनको पहुँच रहा है। सर मैं विकास उपाध्याय नायब सरपंच पंचायत सहार। आज हमारी पंचायत में विकसित भारत के तहत जो विजिट हुआ आज वो जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कविता गर्ग मैडम जो है वो आई है हमारी पंचायत में और उनका आने का मकसद यही है कि जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम्स हैं
क्या वो ज़मीनी स्तर पर लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही, इसलिए उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया और हर स्कीम का विवरण जो है हर डिपार्टमेंट ने उनके सामने रखा। और जो बेनिफिशरीज़ हैं जिनको ये स्कीम मिली है वो भी आ गया है, उन्होंने भी बताया कि हमारे पास घर नहीं था, हमें रहने के लिए घर मिला, जिसके पास गैस का कनेक्शन नहीं था उसे गैस का कनेक्शन मिला, शौचालय घर घर मिले, जितनी भी गवर्नमेंट द्वारा दी गई स्कीम्स है उनके बेनिफिशरी आए थे, उन्होंने हर एक स्कीम का बताया कि हमें हर एक स्कीम में जो गवर्नमेंट ने चलाई गई उसका बेनिफिट मिला। क्या देखते हैं जब बेनिफिशरी और जो अधिकारी भी पहुंचे हैं तो आम जनता जो अपनी प्रॉब्लम जो सुनाना चाहती है उनके लिए कोई वहाँ पे प्रावधान नहीं है ना लोग ज्यादा चलाएंगे? सर इसमें कोई दिक्कत, कोई किसी को अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे सुना सकता है, उनका आने का तो मकसद ही यही है। और इस ये बड़ा अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का कि एक फीडबैक लेना कि अगर कोई किसी की कंप्लेन है तो वो आज यहाँ पे बता सकता है, उसी का फीडबैक जाएगी क्या कहीं कमी रही है नहीं रही, अगर कोई कमी है तो डिपार्टमेंट साथ सामने है और डिपार्टमेंट को भी इस चीज़ का पता चलेगा कि हमें भी कोई पूछने वाला है। इसलिए ये जो प्रोग्राम है बड़ा अच्छा है और बड़ा ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि कोई पूछने वाला तो है, अगर कोई स्कीम है आपको मिली नहीं मिली, किसी ने आपसे पैसे तो नहीं लिए, कमीशन तो नहीं खाई, प्रॉपर तरीके से स्कीम मिली, आपने बेनिफिट लिया, ये जो विजिट है मैम का ये बड़ा ज़रूरी है और लोगों के लिए बड़ा लाभदायक है। नहीं ये इन फ्यूचर चलने चाहिए, इससे क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी मनमानी खत्म हो जाती है, उन्हें ये हो जाता है कि कभी भी कोई सेंटर से विजिट आएगा हमें पूछने वाला होगा, कोई खड़ा हो जाएगा मेरे से हमारा इतने पैसे लिए हैं वो जवाब कौन देगा, इसलिए डिपार्टमेंट भी इस काम के लिए सतर्क हो जाएगा। ये जो टूर है बड़े ज़रूरी है और आम जनता को इसका फ़ायदा होगा।